सलमान की हीरोइन ने गलत तरीके से छूने पर फैन को जड़ा था थप्पड़। अब किया खुलासा। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जरीन खान इन दिनों काफी चर्चा में है। हाल ही में जरीना खान की कार से एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस घटना की वजह से वे सुर्खियों में छाई रहीं। वहीं अब सलमान खान की यह हीरोइन एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने की वजह से चर्चा में है। इसके साथ ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल जरीना खान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्टोर लॉन्च के लिए पहुंची। इस दौरान जरीन की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई। फैंस की भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके बाद स्थानीय लोग एक प्रेस के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे बवाल पर पहली बार जरीन खान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। खबरों की माने तो बेकाबू भीड़ में से एक शख्स ने जरीन खान को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जरीन खान को जैसे ही पता चला कि उन्हें कोई शख्स गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने बिना सोचे समझे उस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले में एक प्रेस ने कहा है कि वहां उन्होंने जो कुछ भी किया वो हर लड़की को करना चाहिए। इसके लिए एक प्रेस ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। जरीन ने बताया जब वो मॉल पहुंची तो वहां भीड़ उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। उन्हें लगा कि जिन लोगों ने उन्हें बुलाया है उनकी सिक्योरिटी के लोग उन्हें बचाएंगे, मगर उन्हें भीड़ में अकेले छोड़ दिया गया। इसका फायदा कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की, गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की गई। इसके लिए एक प्रेस ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। जरीन ने बताया जब वो मॉल पहुंची तो वहां भीड़ उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। उन्हें लगा कि जिन लोगों ने उन्हें बुलाया है उनकी सिक्योरिटी के लोग उन्हें बचाएंगे, मगर उन्हें भीड़ में अकेले छोड़ दिया गया। इसका फायदा कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की, गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की गई। पहले तो उन्हें लगा भीड़ में ऐसा होता है, पर कुछ देर में उन्हें समझ आ गया ऐसा नहीं है। फैंस बेकाबू नहीं हुए हैं, बल्कि जानबूझकर उन्हें छूने की कोशिश की गई थी। जरीन खान ने बताया कि ये भीड़ में कुछ लोग मेरी कार की तरफ आए और मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मैं भीड़ में फंस गई थी और बड़ी मुश्किल से निकल पाई। लोग मेरी कार के अंदर तक हाथ डाल रहे थे। जरीन खान ने कहा, सेल्फी के नाम पर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की जा रही थी। इस पर मैंने उनको जमकर फटकार लगाई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। जरीन ने कहा, अगर किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा है तो उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम भी करने चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी जरीन खान सुर्खियों में आई थी। गोवा में जरीना खान की कार और एक बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। जरीन ने 2010 में सलमान खान और सोहेल खान के साथ श्वीरश से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद वह कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आईं। अंतिम बार वे हॉरर फिल्म 1921 में देखी गई थी।